भारत और सऊदी अरब के बीच की तकरार अब बढ़ती हुई नज़र आ रही है और यहाँ पर भारत ने सऊदी अरब की दादागिरी को ख़त्म करने के लिए पूरी तैयारी भी कर ली है। भारत ने साफ कर दिया है कि यह नया भारत है जो किसी के सामने झुकेगा नहीं। यहाँ देखने वाली बात यह है कि मोदी के कार्यकाल में भारत और सऊदी अरब की दोस्ती काफ़ी अच्छी रही है, लेकिन तेल को लेकर दोनों देशों के बीच तकरार अब बढ़ती नज़र आ रही है, जिसको लेकर भारत ने सऊदी अरब को सबक सिखाने की प्लानिंग करना शुरू भी कर दिया है। माना जा रहा है कि मई में भारत सऊदी अरब को बड़ा झटका देने की तैयारी कर रहा है। भारत दुनिया का वो तीसरा देश है जो सऊदी अरब से सबसे ज़्यादा कच्चा तेल खरीदता है, लेकिन पिछले कुछ समय से दोनों देशों के बीच तेल को लेकर जमकर खटपट हो रही है। भारतीय पेट्रोलियम मंत्री ने सऊदी अरब से कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ाने की अपील की थी। इस पर सऊदी अरब ने भारत को सस्ती कीमत पर खरीदे गए कच्चे तेल के रिजर्व का इस्तेमाल करने की नसीहत दे डाली थी और इसी का जवाब देने के लिए भारत ने भी सऊदी से अपना ऑयल इंपोर्ट को कम करने के संकेत दे दिए थे। तो अब इसके बाद सऊदी भी क्यों चुप बैठता? सऊदी ने भी इसका जवाब देने के लिए अपने शिपमेंट के दाम बढ़ा दिए और इसका नुकसान भारत को भी हुआ, क्योंकि भारत ज़्यादातर सऊदी का ही शिपमेंट इस्तेमाल करता आया है। लिहाजा भारत सरकार ने भी सऊदी अरब को उसी की भाषा में जवाब देने का मन बना लिया है। इसके जवाब में अब भारत सऊदी अरब से और भी तेल कम खरीदेगा। भारतीय तेल कंपनियों ने यह फैसला लिया है कि वो मई महीने से सऊदी अरब से 36% कम क्रूड ऑयल खरीदेगी, यानी कि यहाँ भारत सीधे सीधे 36% तेल का कम आयात सऊदी से करेगा, जो सऊदी अरब के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं होगा। और यहाँ हम आपको बता दें कि भारत अपनी ज़रूरत का तेल अब इराक, अमेरिका और नाइजीरिया से खरीदेगा, जो सऊदी पहले दूसरे नंबर पर हुआ करता था, आज वही सऊदी चौथे नंबर पर पहुँच चुका है। और भारत ने सऊदी अरेबिया के प्रति अपना रवैया ऐसे ही बनाए रखा तो सऊदी पाँचवें से छठे नंबर पर भी आ सकता है। और यहाँ भारत ने यह भी फैसला किया है कि वो OPEC प्लस देशों पर तेल की निर्भरता को कम से कम कर दे, ताकि ये देश भारत को कभी भी किसी मुद्दे को लेकर ब्लैकमेल नहीं कर सकें, क्योंकि यहाँ भारत झुकने के मूड में तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। तभी यहाँ भारत तेल को लेकर दूसरे देशों की तरफ देख रहा है, जिसमें भारत की तेल कंपनियों ने गुयाना से लेकर नॉर्वे से नए कच्चे तेल की खरीदारी की है। जैसे यहाँ अभी भारत सरकार ने 36% कम तेल खरीदने का फैसला लिया है। अगर भविष्य में ये प्रतिशत बढ़कर 50% या 60% होता है तो सऊदी अरब को ना सिर्फ आर्थिक नुकसान होगा, बल्कि भारत जैसे बड़े ग्राहक को खोना सऊदी अरब के लिए काफी घाटे का सौदा होगा, क्योंकि भारत सऊदी अरब से सबसे ज्यादा कच्चा तेल खरीदने वाला तीसरा देश है। वहीं अगर भारत सऊदी अरब से तेल नहीं खरीदता है तो सऊदी अरब को अपना प्रोडक्शन कम करना पड़ सकता है, जो उसके लिए काफी ज्यादा नुकसानदायक साबित होगा। आपको याद होगा कि पिछले साल जब भारत में लॉकडाउन चल रहा था और भारत ने तेल का आयात कम कर दिया था तो सऊदी अरब में कच्चे तेल की प्राइस काफी ज्यादा गिर गई थी। वहीं अगर भारत जैसा देश सऊदी अरब को भाव नहीं देता है तो तेल मार्केट में सऊदी अरब की मोनोपोली टूटेगी, और अगर ऐसा होता है तो जाहिर सी बात है सऊदी अरब की अकड़ ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी।